राम राम जी सभी भाइयों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ हैं मेरे मित्र भाई अनिल सिंह जी। भाई साहब राम राम। जय श्री राम बाबा जी, सभी दर्शकों को भी जय श्री राम। तो अनिल सिंह जी ये बताइए कि मोदी जी की तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है और आते ही उन्होंने 20,000 करोड़ की फाइल पर दस्तखत कर दिया किसान भाइयों को, किसान सम्मान निधि दे दिया। और मंत्रिमंडल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि पुरनका मंत्रिमंडल ही लगभग कंटिन्यू है। जो मुख्य मुख्य विभाग हैं वो पुरानी गवर्नमेंट का एकदम कंटिन्यूएंस है, बिल्कुल उसी धारा प्रवाह वही सरकार चली आई है। सिर्फ बीच में 2 महीने की जो 3 महीने की जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो ब्रेक लगा था वही है। तो नीतियों में कोई रुकाव, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कोई सोच विचार नहीं है। अब बात यह है कि मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों की अपेक्षाएं क्या हैं। और एक बड़ा नीरज अत्री जी ने एक सवाल किया है कि क्या हमने सड़कें बनाने के लिए मोदी को सत्ता में हम लाए थे? तो चलो मोदी ने सड़कें तो बनाई, क्या मोदी ने इसके अलावा क्या काम किए जो, और क्या काम रहे जो उनसे छूट गए और जो कि उनको इस मोदी से हमें क्या क्या निराशाएं हुई हैं, या यूं कह लीजिए कि मोदी ने किन कामों को हमारी आशा के अनुरूप नहीं किया, आप क्या कहते हैं बताइए तो बातचीत शुरू की जाए। जी भाई, सबसे पहले तो नीरज अत्री जी के बारे में ये जानना जरूरी है कि वो एक विज्ञान के अध्यापक हैं और बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। उनकी जो सनातन धर्म के प्रति उनकी जो निष्ठा है और उसके लिए जो कार्य उन्होंने YouTube पर किया है वो एक मील का पत्थर है। हम में से हर एक आदमी जो सनातन धर्म की रक्षा के प्रति सजग है उसको नीरज अत्री जी के वीडियो अवश्य देखने चाहिए। मुझे तो उन विद्यार्थियों से जलन सी होती है जिनको नीरज अत्री जी पढ़ाते हैं, गजब का पढ़ाते हैं, एकदम से मेस्मराइज कर देते हैं अपने लेक्चर्स के द्वारा। उनकी लिखी हुई किताब, कोई 10-11 साल पुरानी किताब है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। किताब का नाम है ब्रेन वॉश रिपब्लिक। ब्रेन वॉश रिपब्लिक ये किताब उन्होंने 10-12 साल पहले लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये समझाया है, समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से NCERT जो है, जो हमारे यहाँ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल, बल्कि और पहले प्राइमरी लेवल से ही बच्चों की किताबों में क्या शामिल करना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, ये तय करती है। और किस तरीके से NCERT जो है हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है। तो अभी अभी एक उनका वीडियो कल ही आया है जिसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कुछ चीजें गिनाई हैं जो कि मोदी जी को करनी चाहिए थी और वो नहीं कर सके हैं। और उनकी बातों को सीधे सीधे काट देना तो मैं संभव, मतलब मेरे लिए संभव भी नहीं है, कर भी नहीं सकता हूं, मैं सामर्थ्य नहीं है उतनी और मैं काटना चाहता भी नहीं हूं। अब मोदी जी से जो है, जो हार्ड कोर हिंदू हैं जिन्हें कि कुछ लोग लकड़बग्घा शब्द से संबोधित करते हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं रही हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी जो है वो एकदम से जो है कम से कम विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तो तुरंत ही जो है रिस्टोर कर दें हिंदुओं के लिए, वक्फ बोर्ड को जो है वो खत्म कर दें, वक्फ एक्ट को खत्म कर दें। वो चाहते हैं कि हिंदू मंदिर जो हैं, जिनका कि जिनके ऊपर सरकारों का नियंत्रण है, राज्य सरकारों का नियंत्रण है, हमारा जो सबसे जो रिच मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, वो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, उस पर जो भी चढ़ावा उस मंदिर पर आता है वो सीधे सीधे जो है राज्य सरकार ले लेती है और उसको लेकर के वो सेक्युलर कार्यों पर खर्च करती है। जबकि कायदे से होना ये चाहिए कि हिंदुओं के मंदिर पर जो चढ़ावा आ रहा है वो हिंदुओं के उत्थान के लिए ही खर्च किया जाए। तो हैं इस तरह की डिमांड हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी जी की हालत इस समय वैसी है जैसे किसी जमाने में भारतीय क्रिकेट टीम में कपिल देव की हुआ करती थी। वही स्टॉक बॉलर भी हैं, वही स्ट्राइक बॉलर भी हैं,
विकेट लेना है तो उन्हीं को गेंद देनी है, रन बचाना है तो उन्हीं को देना है। दिक्कत यह है कि मोदी जी क्या क्या करें, भारत सरकार के समक्ष जो चुनौतियां हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूं कि मोदी जी काफी सही काम कर रहे हैं और आगे जो गिना रहे हैं 8-10 काम नीरज अत्री जी जो गिना रहे हैं जो होने चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक लाइन में आपके इस सवाल का जवाब दे दूं कि हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। हमारी अपेक्षा एक वाक्य में यह है कि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के बिल्कुल हम इस समय बॉटम पर हैं, वहां से निकाल करके हमको दोनों क्षेत्रों में जो है वो टॉप पर ले जाए, हमारी भौतिक उन्नति भी हो, हम जो है एक अमीर राष्ट्र बने, प्लस हमारा चरित्र भी जो है ऐसा हो कि हम पूरी दुनिया जो है हमारी तरफ देखे, हमको गुरु के तौर पर स्वीकार करे। तो इसके अभी जो है हम इसके लगभग बॉटम पर हैं और बॉटम से टॉप पर जाने का जो रास्ता है वो कोई स्ट्रेट लाइन वाला कर्व नहीं है, वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके हमको चढ़ना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भौतिक उन्नति के आप बिल्कुल बॉटम पर हैं तो सबसे पहले तो आपका पेट भरना जरूरी है, पहले तो आप वहां तक तो पहुंचिए जहां की आपका पेट भरने लगे, उसके बाद जो है फिर अगला जो स्टेप होगा वो आपकी शिक्षा पद्धति को ठीक करने का होगा। शिक्षा पद्धति भी जो है वो एक लेवल तक आ जाती है फिर भौतिक, तो ये दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं और मोदी जी अकेले तो नहीं कर पाएंगे, जनता का जितना सहयोग समर्थन चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मोदी जी की तमाम अच्छे इरादों के बावजूद मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि वो ठीक कर रहे हैं। देखिए मोदी की जो मुझे एक बहुत बड़ी कमी पिछले 10 सालों में नजर आई है कि वो जो लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतंत्र की रक्षा का जो उन्होंने जिम्मा ले रखा है और उस लोकतंत्र की रक्षा में जो है वो अलोकतांत्रिक तरीके से देश में अराजकता फैलाने वालों के सामने जो लेट जाते हैं, मेरी तो सबसे बड़ी आपत्ति पहले दिन से मोदी से ये रही है कि 20 आदमी मिलके देश को बंधक बना लेते हैं और मोदी जी उनके सामने लेट जाते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप ही लोग सही थे, आप लोग कृपया यह रोड खाली कर दीजिए, और वो लोग फिर भी नहीं करते हैं और मोदी जी उठ के अपने घर चले जाते हैं, अगले दिन आके फिर लेट जाते हैं कि अभी तक आप लोग बैठे ही हुए हैं, वो लोग वहां से उठते हैं कहीं और बैठ जाते हैं, मोदी जी वहां जाके लेट जाते हैं सबसे पहले। और किस चीज के नाम पे ये कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी लोकतंत्र के पुजारी हैं और फिर यही लोग मोदी जी को सदी का सबसे बड़ा हिटलर, सबसे बड़ा डिक्टेटर भी घोषित करते हैं। तो देखिए मोदी जी को ये नाटक ना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का जो मोदी जी नाटक करते हैं ना, ये एक नाटक बंद करके मोदी जी को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इन अराजक तत्वों के सामने एक तो सरेंडर करना बंद कर देना चाहिए। अभी मुझे आज ही एक मित्र बता रहे थे कि ये जो लोकतंत्र के रक्षक लोग हैं ये फिर से जो है बड़े पैमाने पे जो है ये धरना प्रदर्शन, हड़ताल और चक्का जाम, सड़क जाम करने की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने तो पहले दिन से इलेक्शन दे दिया था। और ये जो कुलविंदर कौर ने जो थप्पड़ मारा है कंगना रनावत को, ये उसी देगची को गरमाने का एक प्रयास था, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। और इसकी शुरुआत भी पंजाब से ही होगी और पंजाब में मोदी की जो तुष्टीकरण की पॉलिसी है, मोदी जो खालिस्तानियों के सामने लेटे हुए नजर आते हैं, मोदी खालिस्तानियों के सामने लेटे हुए नहीं, मोदी खालिस्तानियों के सामने लाचार निरीह, मोदी मतलब जिसे कहते हैं ना कि एकदम किम कर्तव्य विमूढ़, उनको पता ही नहीं है कि इन अराजक तत्वों से डील कैसे करना है, वो पता नहीं कौन से पैरामीटर्स उन्होंने अपने बना लिए हैं और उनको वो जो है फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ममता बनर्जी जैसे जो शासक हैं जिनके राज्यों में सरेआम खिलाफ वोट देने वालों का इस तरीके से जो है
दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, ना उसको कोई मीडिया कवर कर रहा है, यहां तक कि सोशल मीडिया तक ने कवर करना बंद कर दिया है। मतलब इससे बड़ी डिक्टेटरशिप क्या होगी कि वहां पर कोई बंगाल में, और आज से नहीं, मैं तो पिछले 10 साल से देख रहा हूं कि बंगाल में आप ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में बैठ के एक लाइन ट्वीट या फेसबुक या कोई व्हाट्सएप पोस्ट नहीं लिख सकते हैं। आपके घर में घुस जाएगा टीएमसी का वर्कर और आपके घर को आग लगा देगा, आपके परिवार को जो है मारपीट के रद्द कर देगा। और मोदी जी जो यहां बैठ के लोकतंत्र का चरखा काटते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मोदी को ये जो इमेज उन्होंने अपनी बना रखी है ना कि अराजक तत्वों के सामने पूरी तरह फेल, इस इमेज को हटाने की जरूरत है और इनसे बहुत सख्ती से डील करने की जरूरत है। जैसे इन्होंने शंभू बॉर्डर पे किया है ना पिछले किसान आंदोलन 2.0 को, उसी सख्ती से हर उस आंदोलन को डील करने की जरूरत है जो कि अराजकता फैलाने के उद्देश्य से देश में किया जा रहा है, देश को बंधक बनाने, गिरवी रखने के उद्देश्य से। ठीक है, जाओ वहां पे जो मैदान बना रखे हैं उसमें करो धरना प्रदर्शन हड़ताल, सड़क जाम नहीं होगी, रेल जाम नहीं होगी, देश की विकास का पहिया जाम नहीं होगा। इसके अलावा अब आते हैं एनसीईआरटी की किताबों और जो सांस्कृतिक जो हमारा जो हमारे ऊपर जो सांस्कृतिक हमले हुए हैं पिछले 70 सालों में, उसको काउंटर करने के लिए मोदी जी क्या करते हैं। आप बता रहे थे कुछ, उसके बाद मैं इस पॉइंट को कंटिन्यू करता हूं कि एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव कैसे होगा, क्या होगा, क्यों नहीं किया, जो हमारा सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो पहलू है उसके उसके पुनरुत्थान के लिए मोदी जी को क्या करना चाहिए जो मोदी जी अपने पहले 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए। जी आप बताइए। पहले बाबा जी आपने जो मुद्दा उठाया मैं उस पर ही थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहूंगा। देखिए पंजाब का जो मामला है, मैं इसमें मतलब कोई दो राय नहीं हो सकती इस मामले में कि मोदी जी को किसान आंदोलन 1.0 और शाहीन बाग आंदोलन इनके साथ जो है सख्ती से पेश आना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसी रिपोर्टें भी आती हैं और रिपोर्टें सारी की सारी अपुष्ट सूत्रों से ही हैं, और रिपोर्टें ये कहती हैं कि अगर उनके साथ सख्ती की गई होती, उनके ऊपर गोली तो दूर लाठियां भी चला दी गई होती, तो तैयारी एकदम पूरी थी। पंजाब में तो इस बात का पूरा पूरा खतरा था कि एक हिंदू वर्सेस सिख का झगड़ा जो है वहां शुरू हो जाता है। तो मोदी जी जो है वो तो अब भी हो जाएगा, वो तो अब भी हो जाएगा, कल फिर शुरू हो जाएगा, वो तो ये मैं आ रहा हूं, हमेशा रहेगा। मैं आ रहा हूं इस चीज पे, क्या है कि जब कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही होती है तो अगर समय रहते आप उसमें कड़ा कदम नहीं उठाते हैं तो स्थिति जो है वो धीरे धीरे बिगड़ती जाती है और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा कदम उठाना पड़ता है। तो शुरू में अगर थोड़ा सा कड़ाई दिखा दी जाए उनके साथ में तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी स्थिति ना आए, ये बात तो सही है। और मोदी जी जो है जिस तरीके से हैंडल कर रहे थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैंडलिंग विद किड ग्लव्स, तो किड ग्लव्स के साथ अभी तक उनको हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये दिखाई दे रहा है कि वो जो कन्फ्रंटेशन जिसकी तैयारी वो इतने सालों से कर रहे हैं उससे बचा नहीं जा सकता। अब जब वो स्थिति आ गई है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी जी अब जो है वो कड़े कदम उठाएंगे, जैसे कि आपने बताया किसान आंदोलन 2.0 में उन्होंने किया। यही हाल देखिए बंगाल का है। बंगाल के बारे में अब हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, चुनाव के दौरान इस तरह की चर्चा होती थी कि 400 सीटें आ जाएगी तब क्या करेंगे, तो उसमें एक मुद्दा था, एक एक्सपेक्टेशन थी मोदी जी से कि वो बंगाल में तत्काल राष्ट्र प्रशासन लागू कर देंगे। अब 400 सीटें तो आई नहीं, अब जो है इनका जो मैनोवरिंग का जो 350 में क्यों नहीं लागू कर पाए, 400 में ऐसा क्या, कौन सा शिलाजीत का पराठा खा लेते, बल्कि शिलाजीत का पराठा तभी बनता है जब 400 सीट होती है। वो सर वो एक अंग्रेजी सीरीज है पॉपाई, पॉपाई जब वो खा लेता है स्पिनिच
तब अचानक उसमें दैवीय शक्तियां आ जाती हैं। तो हमारे पपाई में जो दैवीय शक्तियां 400 सीट पे आती, जब 303 सीट थी तब पपाई पपाई जो है वो एकदम पप्पी था। देखिए बात बात नैरेटिव की है बाबा जी, वो काम 350 सीट में भी हो सकता था, 350 भी आ जाती तब भी हम उम्मीद करते कि कर देंगे, हालांकि करते या नहीं करते तो मोदी जी ही जाने, हम नहीं कह सकते इसके बारे में। लेकिन 2021 में मामला ये था कि नई नई जो है ममता दीदी की सरकार बनी थी, और शायद उनको लगा हो कि ये अभी सरकार जो है चुन करके आई है और तुरंत उसको बर्खास्त कर देना जो है एक बहुत ही गलत सिग्नल जाएगा। हालांकि हाइंडसाइट में हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि उसी समय कर देना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा यही होता कि सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देता उनको, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। लेकिन कम से कम ये मैसेज तो जाता कि हाँ भाई केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो सेंसिटिव है, वो संवेदनशील है बंगाल की जनता के कष्टों को लेकर के। तो ये काम उस समय उन्होंने नहीं किया, इस समय कर सकते थे क्योंकि सरकार उनकी जो है वो 2-2.5 साल पुरानी हो चुकी है, और एक बार 2021 के बाद जो है वो फिर से उसी लाइन पर चल पड़ी है। जैसा कि आप बता रहे हैं मीडिया ने कवरेज देना ही बंद कर दिया है, न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी अब खबरें दबाई जा रही हैं वहां। तो वहां जब ये दोबारा वही सब कुछ हो रहा है तो ये बिल्कुल सही समय होता ये बंगाल की सरकार भंग करने के लिए। लेकिन अब दुर्भाग्यवश इनकी अपनी सरकार जो है वो, हालांकि अभी भी कर सकते हैं, करना चाहिए मैं तो कहता हूं। तो मोदी सरकार जो है क्या है कि कई कॉन्स्ट्रेंट्स में ऑपरेट कर रही है। आप देखें आजकल विद्वान लोग कुछ हैं जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की जो बातें करते हैं वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डीप स्टेट जिसको कहा जाता है वो डीप स्टेट वाले जो है वो इस कदर इन्वॉल्व थे हर चीज में, ये पूरा हमारे इलेक्शन को जो है वो बाहर से इन्फ्लुएंस करने की तमाम कोशिशें हुई हैं। एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि ये डीप स्टेट हमने एक बहाना खोज लिया है कि कोई भी अपनी नाकामी है, अपना निकम्मापन, अपना नकारापन, अपना हिजड़पन छुपाना हो तो डीप स्टेट के पल्लू के पीछे छुप जाओ, हम क्या करें जी, हम तो एकदम केंचुआ हूं, डीप स्टेट हमको, डीप स्टेट जो है सांप है खा जाएगा, हम तो एकदम बेचारा केंचुआ हूं। पर ये एक मिनट, ये डीप स्टेट का नैरेटिव कुछ बहुत ज्यादा नहीं चला रहे हम लोग हिजड़ों को संरक्षण देने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी नाकामी को डीप स्टेट के बहाने जो है छिपाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ है बाबा जी, अब जो है वो मोदी जी के लिए मैनोवर करने के लिए स्पेस जो है बहुत कम हो चला है। अब जो है ज्यादा दिन तक इसको अगर उन्होंने टॉलरेट किया तो अभी 240 सीटें आ गई, अब इनका जो है तुरंत एक इम्तहान होना है हरियाणा में 5 महीने के बाद। हरियाणा में अगर ये सरकार अपनी नहीं बनवा पाए तो आप समझिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो और ज्यादा नीचे जाएगी और जाती चली ही जाएगी। इनको जो है बहुत जल्द अब इनिशिएटिव को जो है वापस छीनना है, और ये इनिशिएटिव अगर इनको छीनना है तो अब ये बहानेबाजी और ये रोने धोने से काम नहीं चलने वाला है, अब इनको डिसाइसिव एक्शन इसके ऊपर लेना ही पड़ेगा। तो अब इस पे चलने देते हैं, बाद में फिर वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर आते हैं। हरियाणा जो है वो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के बराबर का एक छोटा सा स्टेट है, और इतने बड़े भारत देश में हरियाणा की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल जो उनका टोटल जो महत्व है वो पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। अगर हरियाणा जीतते हैं या हारते हैं, और हरियाणा में 10 साल की है एंटी इनकम्बेंसी, हरियाणा जीतेंगे हारेंगे उससे मोदी जी के गवर्नेंस पे, मोदी जी की नीतियों पे, मोदी जी के रिजॉल्व पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए जी। हरियाणा का एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है बाबा जी, कुछ नहीं है जियो स्ट्रेटेजिक, फालतू की बात है, कोई सुनिए, दिल्ली और पंजाब के बीच में पड़ता है, ये उसका इम्पोर्टेंस है। अगर पंजाब से चलने वाले लोगों को हरियाणा में आपकी
अपने समर्थन वाली सरकार नहीं होती तो किसान आंदोलन 2.0 भी जो है वो घुस गया होता दिल्ली में। इसलिए हरियाणा का इंपॉर्टेंस है कि पंजाब से जो लोग चलेंगे हरियाणा जो है उनको रोक सकता है दिल्ली में आने से, तो इसलिए हरियाणा को जो है। सर तब तो आप कहेंगे कि सात लोक कल्याण मार्ग में गुंडे घुस जाएंगे, आप कहेंगे हम क्या करें जी, उधर पंजाब में भगवंत मान बैठा है, इधर दिल्ली में भी भगवंत मान बैठा है, उधर हरियाणा में हुड्डा बैठ गया है, इसलिए गुंडे मेरे घर में घुस आए हैं, सात लोग कल्याण मार्ग। सर ये बहानेबाजी है फालतू की। सर कल को आप इससे भी और ये लोग इससे भी और घटिया बहाने ढूंढने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर ये कोई बात नहीं है, अगर सरकार चाहेगी तो चाहे जिसकी सरकार हो, वहीं जहां से गुंडा चलेगा वहीं रोक लेगी। सरकार के अंदर रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक। तो ये अच्छा मेरी बात सुनिए, सरकार को ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की जो का जो मुखौटा ओढ़ के मोदी जी जो पिछले 10 साल से लिबिर लिबिर बतियाए हैं, इनको थोड़ा सा उनको एक बात समझनी चाहिए। सर मैं आपको बताऊं, मैंने पंजाब में ये चीज महसूस की है, जब मोदी जी ने खट्टर साहब के थ्रू इन अराजक तत्वों को सफलतापूर्वक शंभू बॉर्डर पर रोक लिया, इसी से ये जो 18.5-19% वोट आया है ना पंजाब में, वो सिर्फ इस एक डिसीजन की वजह से आया है। पंजाब के हिंदुओं को एक मैसेज गया कि नहीं, ये सरकार कोई डिसीजिव एक्शन ले सकती है और अराजकता गुंडागर्दी पर कंट्रोल करना इस सरकार को आता है। सर गुंडागर्दी कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार होगी, हम तभी कर पाएंगे, ये बहाना नहीं चलेगा। बाबा जी लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का ही सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार तो तभी कंट्रोल नहीं। सर स्टेट का सब्जेक्ट नहीं होता है, एक बार बुला के गृह मंत्री टाइट करता है तो अच्छे अच्छे जो है वो आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है अच्छे अच्छे मुख्यमंत्रियों की। सुनिए छत्तीसगढ़ में नक्सली अटैक हुआ था, पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप वाइप आउट हो गई थी, सोनिया गांधी ने बुला के रमन सिंह को ऐसा हड़काया था ना, ऐसा हड़काया था कि रमन सिंह को मतलब सांस आनी बंद हो गई थी। रमन सिंह ही थे इफ आई एम करेक्ट उस वक्त, याद है ना। तो सर चाहे जिसकी राज्य सरकार हो, चाहे जो मुख्यमंत्री हो, अगर केंद्र में सरकार तगड़ी है तो वो किसी मुख्यमंत्री को दाएं बाएं नहीं जाने देगी, पर आपके अंदर वो रिजॉल्व होना चाहिए, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप देश के किसी भी कोने में अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो रिजॉल्व की कमी इस सरकार में नजर आती है, बस मेरा एक ही पॉइंट है। अब भी अगर इसी केंचुए वाली रीति नीति से ही चलती रही सरकार तो आगे और बुरे दिन देखने पड़ेंगे। मैं तो यही कह रहा हूं कि अब इनके लिए जो है वो मीठी मीठी बातें करने का समय निकल चुका है, और जो रिजॉल्व अभी तक इन्होंने नहीं दिखाया है, अब समय आ गया है जब इनको दिखाना ही पड़ेगा। और सर वो रिजॉल्व इन्होंने कश्मीर में दिखाया था, जिस जब इन्होंने धारा 370 हटाई है तो जो रिजॉल्व कश्मीर में दिखाया वो पूरे देश में अराजक तत्वों के खिलाफ दिखाना चाहिए। वो जो लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र को हाईजैक करने का सुनियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको उसी तरीके से आयरन फिस्ट से डील करने की जरूरत है जैसे कि कश्मीर में किया गया था धारा 370 हटाते समय। और अगर वहां कर सकते हो इसका मतलब फॉर्मूला आपको पता है, क्या करना है आपको पता है, आपने करके दिखाया है, पर आप बाकी देश में वो करना नहीं चाहते। कश्मीर में आप करना चाहते थे, आपने कर लिया। आप बंगाल में वो करना नहीं चाहते, आप पंजाब में या कहीं पर भी आप वो करना नहीं चाहते जी। स्थिति यह है बाबा जी कि लगभग सभी राज्य जहां पर विरोधी दलों की सरकारें हैं वहां पर अराजकता जो है वो जमीन के नीचे नीचे समझिए कि वो उबल रही है, एकदम विस्फोट होने के लिए तैयार है। चाहे आप केरल ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु ले लीजिए, इवन आंध्र प्रदेश भी ले लीजिए, वहां पर जो
धर्म परिवर्तन का जो इतनी तेजी से काम चला है कि वो आपके हाथ से बाहर निकलने के लिए तैयार है स्टेट, बंगाल ले लीजिए। तो सवाल यह है कि कहां कहां आप राष्ट्रपति शासन एक साथ लगाएंगे। कश्मीर में इसलिए कर सके, कश्मीर में इन्होंने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया, उसको एक झटके में पहले उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में इन्होंने लिया, उसको यूटी बना दिया। यूटी बनाने के बाद डायरेक्टली अब उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वहां कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर सरकारें जो है दूसरे दलों की हैं, वहां पर ये भी एक बहाना है कि कहां कहां राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति शासन लगाए भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको अब ये, हम लोग इस वीडियो में 25 मिनट बतिया चुके हैं, इसी वीडियो को हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी आप कह रहे थे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, एजुकेशन भी तो स्टेट सब्जेक्ट है। नीरज अत्री जी ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबें जो है फालतू फंड में पता नहीं क्या 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 पढ़ा रही हैं, भारत को जो है पुराने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्टेट सब्जेक्ट है। अच्छा, आप एनसीईआरटी देखे, मोदी जी की एक खासियत है कि मोदी जी जो भी रिफॉर्म्स करते हैं वो इरिवर्सिबल होता है उनका रिफॉर्म। उन्होंने जब कश्मीर समस्या का हल किया तो वो इरिवर्सिबल है। अब कोई सरकार चाह के भी वापस 35A और 370 को लागू नहीं कर सकती कश्मीर में। उन्होंने जो हल निकाला ना वो इरिवर्सिबल निकाला, तो वो एजुकेशन पॉलिसी में भी जो हल निकाला है उन्होंने निकाल लिया है, वो इरिवर्सिबल है, उसको कोई सरकार आके पलट नहीं पाएगी। अगर आप किताब का एक चैप्टर हटाते हैं या एक लाइन हटाते हैं तो राजस्थान में ऐसा हो चुका है कि राजस्थान में उन्होंने किताबें दुरुस्त की थी, वो गहलोत सरकार ने आते ही अगले दिन पलट दी। तो ऐसा रिफॉर्म किस काम का जो एक दिन भी न चल पाए। और सुनिए, तो भैया वो जो जो हमारे जो एजुकेशन में जो रिफॉर्म है वो नई शिक्षा नीति के रूप में आया है, और शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हैं, उस पर हम एक अलग से एक वीडियो करेंगे, क्योंकि शिक्षा नीति जो है, ये जो नीरज अत्री जी ने जो एनसीईआरटी की बुक का जो मसला उठाया है उसका हल नई एजुकेशन पॉलिसी में है। हैं? अच्छा, एजुकेशन हमेशा से स्टेट सब्जेक्ट रहा है और रहेगा। स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो है, डिपार्टमेंट जो है, अपना पाठ्यक्रम खुद बनाएंगे, अपने बच्चों को सांस्कृतिक रूप से और जो उनका जो जियो पॉलिटिकल जो अप्रोच होती है कि किस प्रदेश के बच्चों को क्या पढ़ाया जाना है, वहां की संस्कृति सभ्यता, वहां की भाषा, वहां का सब कुछ पढ़ाना है, वो स्टेट डिसाइड करेंगे। परंतु एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो यूनिफॉर्मली पूरे देश में लागू हो सकती है, जिसके लिए मोदी सरकार प्रयासरत है। अब बात यह है कि शिक्षा जो है वो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये पेरेंट्स का सब्जेक्ट है। और हमारे देश का जो पेरेंट है ना, वो एजुकेशन के नाम पे उसको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के मार्क्स चाहिए। अरे कुछ मत पढ़ाओ हमारे लड़का को, हमको हमारे लड़का को जो है 100 में 100 नंबर लेना सिखाओ बस। तो ये जो रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से पिछले 35-40 साल से जुड़ा हुआ हूं, मैंने ये महसूस किया है कि भारत का पेरेंट को सिर्फ एक चीज से मतलब है, अधिकांश पेरेंट को, कि नंबर लाना सिखाओ, रटाओ और मेरे बेटे का नंबर आ जाए, चाहे वो नंबर जिंदगी में किसी काम ना आए, वो डिग्री चाहे जिंदगी में किसी काम ना आए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आप उनका बेटा जीरो होता है। तो इस पे हम सर अलग एक वीडियो करेंगे, मैं और आप, देश की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है और इस ये जो चेंजेस हैं जो नीरज अत्री साहब ने जो उठाए हैं। तो फिलहाल सर मेरा एक ही है कि 3.0 मोदी जी की जो है वो देश में लोकतंत्र के नाम पर जो गुंडागर्दी और अराजकता फैलाई जा रही है उसको कायदे से डील करें। अंतिम एक मिनट में क्लोजिंग रिमार्क अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो इस वीडियो को समाप्त किया जाए। जी, समाप्त ही किया जाए। तो आपने मुझे सुबह सुबह समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम भारतीय शिक्षा नीति जो है, नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।